जी हाँ दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आज हम लोग लर्न करेंगे। आज हमारा फोर्थ डे है और आज का वीडियो पूरा प्रैक्टिस सेशन पर बेस्ड है। नया कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाया उसकी बस प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग पूरे वीडियो को केयरफुली ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए बेसिक स्पोकन इंग्लिश डे फोर्थ, इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चंस भी जिन्हें हम कहते हैं। आपको मैंने 12 मोडल्स पढ़ाया था और उसमें हमने देखा था कैन में, ये जो कैन है जो कि बिगिनिंग में आगे आ गया है, जब इसको आंसर हम लोग करते हैं तो हम आंसर करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब जब आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव होगा, मींस ऐसा इंटरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाए, तो इसका आंसर आपको यस नो से देना होता है। फ्रेंड्स आपको दिमाग में अच्छे से क्लिक कर लेना है। मतलब मैं आपसे कहता हूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप कहेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। इन केस यू कांट स्पीक इंग्लिश, मान लो आपको इंग्लिश बोलते नहीं आती, तो यू वुड से, मैं आपसे पूछता हूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो सर I cannot speak English. नहीं सर, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, राइट? दूसरा सेंटेंस मैंने आपसे पूछा कैन यू डांस, आपको आंसर करना है, खुद करिए आप आंसर, कैन यू डांस, यस आई कैन डांस, और नहीं डांस आता तो नो आई कैन नॉट डांस। मैंने नेक्स्ट आपसे पूछा कैन यू कुक फूड, कैन यू प्रिपेयर लंच, कैन यू प्रिपेयर डिनर, जो भी हो, सो कैन यू कुक फूड, क्या आप खाना बना सकते हो, यस I can cook food, और नहीं आता तो no sir I cannot cook food। अब मैं आपसे sentence direct पूछ रहा हूं, आप खुद इसको answer करें घर पर। मैंने आपसे कहा can you speak Marathi, तुला आते Marathi, can you speak Marathi, क्या आप Marathi बोल सकते हैं, yes I can speak Marathi, हाँ मैं Marathi बोल सकता हूं, और नहीं आती Marathi तो no sir I cannot speak Marathi, नहीं सर मैं मराठी नहीं बोल सकता। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा कैन शी डू दिस, वहां एक लड़की खड़ी है, मैंने आपसे पूछा कैन शी डू दिस, क्या वो ये कर सकती है, आपने कहा यस शी कैन डू दिस, और आपने कहा नहीं 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 उससे नहीं होगा, वो नहीं कर सकती, तो नो 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 शी कैन नॉट डू दिस। व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस कि आप लोगों को करीब 50 सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं जो कि किससे शुरू हो रहे हो, कैन से, और उनको इमीडिएटली उसी टाइम आपको आंसर भी करना है, किसमें, यस नो में, किसमें, यस नो में। मतलब आपको 50 सेंटेंस तो कैन से स्टार्ट करना है और उसके बाद इनको आंसर भी करना है। घर बैठे इंग्लिश सीखे कि यही सबसे बेस्ट ट्रिक है, जिसकी हेल्प से आप जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस को पूछेंगे और उनको आंसर भी करेंगे। अब मैं आपसे जैसे क्वेश्चन करूं कैन यू डांस, आंसर दीजिए, कैन यू कम हियर, आंसर दीजिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश, वीडियो को जब ये सेंटेंस में बोल रहा हूं तो आप लगे तो रोक दीजिएगा, है ना, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कम ऑन आंसर, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोल सकते तो नो सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये ट्रिक है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, राइट? मैं आपको कितने ही पढ़ा दूं लेकिन आप इंग्लिश बोलना तभी सीखेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट? हमारी जो क्लास, हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लासेस में हम स्टूडेंट्स को यही चीज़ें सिखाते हैं, और इसी तरीके से उनको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, मराठी मीडियम स्टूडेंट्स को, पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स को, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। दैट्स द ट्रिक टू मेक यू स्पीक इंग्लिश गाइज। इसलिए बोलता हूँ मैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ऐसे सेकेंड वाला कुड का है, Could you go there? क्या वहां जा सकते थे? Yes, sir, I could go there. No, I could not go there. Could you dance well when you were in school? जब आप स्कूल में थे क्या आप अच्छा डांस कर सकते थे? Yes, I could dance well when I was in school. No. I could not dance well when I was in school. Right? इसी तरीके से आपको फ्यूचर का बनेगा, क्या इंडिया मैच जीत पाएगा? Will India be able to win the match? तो आपने कहा yes. India will be able to win the match. और आप negative में कहेंगे तो no. India will not be able to win the match. India match नहीं जीत पाएगा. Right? Will she be able to do this work? क्या वह यह काम कर पाएगी? तो आपने कहा yes, she will be able to do this work. और negative में आप कहेंगे no, she will not be able to do this work. So friends, that is a technique to improve your English. राइट अब ऐसे ही वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के सेंटेंसेस को आप देखें। वर्ब ऑफ टू बी में जैसे यहां पर आपको दिया है आर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं? तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम अ डॉक्टर। अब एक बात नोटिस कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन यू में पूछ रहा हूं, आप आंसर आई में दे रहे हैं। मतलब आपको याद रखना है कि यू का जो है क्या हो जाता है, आई हो जाता है जब आप आंसर करते हैं तब।
Can you speak English? Yes, I can speak English. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. Are you an engineer? Yes, I am an engineer. अगर नहीं है तो no. I am not an engineer. मैं कोई engineer नहीं हूँ. इसी तरीके से देखिए, do you have a car? क्या आपके पास car है? तो जब आप answer देंगे तो आप कहेंगे yes, I have a car. In case you don't have car, you would say no, I don't and doesn't have car, right? So that's the technique. Do you have time? क्या आपके पास समय है? Yes, I have time. अगर समय नहीं है तो आप कहेंगे no, I don't have time. No, I don't have time. मैंने कहा does she has time? Does she have time? क्या उसके पास समय है? Yes, she has time. हाँ उसके पास समय है. और उसके पास भी समय नहीं है तो no, she doesn't have time. In short, I would say कि आपको जो है सारे के सारे sentences की practice करनी है. Demo के तौर पर मैंने सिर्फ अभी आपको can का बताया, could का बताया, will be able to का बताया, verb of to be का present बताया, verb of to have का present बताया, but आपको इनके present, past, future सभी की practice करना है. देखो इसी में आप should की practice भी कर सकते हैं. Should की practice कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा should I go there? Should I go there? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? तो आपने कहा हाँ आपको वहां जाना चाहिए. Yes. आई का क्या होगा? यू होगा. अब आप सोच रहे होंगे आई का यू क्यों हो रहा है? अरे भैया मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा फॉर एग्जाम्पल कि शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? तो आप मुझे क्या कंसिडर करोगे? आप मुझे कहोगे हाँ सर आपको वहां जाना चाहिए. यस सर यू शुड गो देयर, मतलब इस आई का क्या होगा? यू होगा. सो यस यू शुड गो देयर, राइट. और नहीं जाना चाहिए तो नेगेटिव में होगा, नो यू शुड नॉट गो देयर. अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, बोले सर कैन यू स्पीक इंग्लिश? अगर है तो क्या ऐसा नहीं आ सकता? Can you not speak English? तो उसका आंसर क्या आएगा फिर? है ना भैया, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है. तो जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनको भी आंसर हम यस नो ही करते हैं. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते? तो आप क्या कहेंगे? यस सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, हाँ सर मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता. और नेगेटिव में तो बोलेंगे नो आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो आई कैन स्पीक इंग्लिश. जैसे मैं आपसे पूछूं कांट यू डांस, कैन यू नॉट डांस, क्या आप डांस नहीं कर सकते? तो अगर आप कर सकते तो क्या कहेंगे? नो आई कैन डांस, राइट. और अगर नहीं आता डांस तो आप बोलेंगे यस आई कैन नॉट डांस. मतलब इन शॉर्ट जब आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव आएगा तो नो में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है, राइट. और यस में नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, थोड़ा उल्टा हो जाता है ना. देखो ना कांट यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कांट स्पीक इंग्लिश. और अगर बोल सकते तो कांट यू स्पीक इंग्लिश, नो आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट. कांट यू डांस वेल, क्या आप अच्छा डांस नहीं कर सकते? यस आई कांट डांस वेल. नेगेटिव डांस आता है आपको तो क्या कहोगे? यस आई, नो आई कैन डांस वेल, मैं अच्छे से डांस कर सकता हूं. तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आपको याद रखना है, राइट. हो फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. सिर्फ आपको करना क्या है? प्रैक्टिस. क्या करना है? प्रैक्टिस. सबसे पहले तो एक सेंटेंस को मैंने याद हो तो आपको बताया था पूरे 12 मॉडल्स में आपको स्पीड से बोलना है. लाइक मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, आई कैन स्टडी में पढ़ाई कर सकता था, आई कुड स्टडी में पढ़ाई कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मस्ट स्टडी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई ऑट टू स्टडी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, आई हैव टू स्टडी. इस तरीके से सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश आपको स्पीड से बोलना है. उसके बाद में इनको नेगेटिव बोलना है और फिर आपको इनको इंटरोगेटिव बोलने की प्रैक्टिस करनी है. ट्रस्ट मी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से तो आप इंग्लिश भी सीखेंगे अच्छे से, राइट. अच्छे से इंग्लिश सीखने का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छे से इंग्लिश सीखने का मतलब कि चीजों को परफेक्टली सीखना होता है. परफेक्टली मतलब जिसमें हम किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करे और बहुत अच्छे से चीजों को कॉन्फिडेंटली बोले. गॉट इट? हो फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. तो आप बस जुट जाओ प्रैक्टिस पर. प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं तो मैंने जो है टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप बनाया है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश के नाम से. तो आप क्या करें, टेलीग्राम को जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में और सिर्फ आपको अपना वहां पर सर्च करना है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश का. आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, ये एक पब्लिक ग्रुप है, आप कोई भी स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकता है. जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे बस आप मैसेज टेक्स्ट कुछ भी उसमें भेज नहीं सकते, जो हम भेजेंगे वही आपको मिलेगा. तो उसमें मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, करीब 300 questions I will give you, right? तो इन 300 questions को आपको answer करना है. जैसे उसमें लिखा रहेगा do you study, तो आपको बोलना है yes I study. Is this pen, तो बोलिए yes this is pen. Is that your friend, yes that is my friend. Is that your house, yes that is my house. नहीं आपका घर है, आपके friend का है, तो no that is not my house, that is my friend's house. In short I would say कि you need to practice the things well. आपको बार बार practice करना है. अब जितनी ज्यादा practice करेंगे उतना ज्यादा चीजों को समझेंगे. इसलिए बोलता हूँ आप लोग बिल्कुल ये जो
समय आपको मिला है लॉकडाउन का 21 डेज का, इसको आप यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटिव एज में आप रह रहे हैं, अगर आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना लाइफ में, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। घर बैठे फ्री नहीं रहना है, फ्री रहोगे मोटापा बढ़ेगा, मोटे हो जाओगे, इसीलिए कुछ लर्न करो, इम्प्रूव योरसेल्फ, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखो, ज्यादा से ज्यादा नए नए सेंटेंसेस बनाओ। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, तो मैं हूं ना भाई, मुझसे पूछो, राइट हो फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सभी को बताएं, और आपको सबको बता दूं 100+ में अभी तक वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए। नहीं देखे अगर आप लोगों ने तो जाओ चैनल को विजिट करो, चैनल के ऊपर काफी सारे वीडियोस डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोस को देखो और अपने आप को इंप्रूव करो। कुल मिला के इसमें जीडी के वीडियोस है करीब 10+ में, तो जीडी यू अंडरस्टैंड ग्रुप डिस्कशन, जिसमें स्टूडेंट्स जो है आपस में एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप उनकी कन्वर्सेशन को सुनिए, वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उनका वर्ब स्पीकिंग कहाँ, वो कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जस्ट वॉच द वीडियो ऑन अवर यूट्यूब चैनल पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डेली आपको वीडियोज देने वाला हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग, जिससे आपकी लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होगी। ये फोर्थ डे का है, कल फिफ्थ डे कुछ नया लेकर आऊंगा, फिर सिक्स डे कुछ नया लेकर आऊंगा, मतलब पर डे आपको कुछ नया मिलने वाला है। ऐसी चीज जो लाइफ में आपने कभी नहीं सीखी होगी, मेरी गारंटी है, राइट हो फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।